तो आज का वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं वन व्हील इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पार्ट टू। अभी तक आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर भी आज जो है मोर देन 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। और वन व्हील का मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट भी बनाया है जिसपे आज मोर देन 41 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी। तो ये वीडियो के अंत पर काफी मजा आएगा, फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट।
यहाँ पे हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो रहा है, तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो मैंने एक स्ट्रक्चर जो है इसका एक मोटरसाइकिल देने के लिए ट्राई किया था, और इसके पहले जो मैंने पार्ट वन भी अपलोड किया था तो उसमें कुछ लोगों के सजेशन थे कि सर आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो उसी सजेशन को और फिर मैंने मेरे हिसाब से उसको लेकर इसको थोड़ा फाइनल लुक दिया है। कलर कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखेंगे तो इसके पहले जो मैं काफी सारे प्रोजेक्ट बनाता था उसमें मैं ऑरेंज कलर यूज करता था, क्योंकि ऑरेंज कलर कैसा ना कि देख के नोटिस होता है। और जब मैंने इस बाइक को रेडी किया तो मेरे दिमाग में काफी सारे कलर आ रहे थे, रेड भी आया था, ब्लू भी आया था, लेकिन ऑरेंज मुझे क्या है थोड़ा ज्यादा सूट कर रहा था, तो मैंने उसके हिसाब से ऑरेंज कलर किया। और ओवरऑल जब सब कुछ फ्रेमिंग रैपिंग करने के बाद में जो एक फाइनल लुक आया तो एक बाइक कैसा रहता है कि मोटरसाइकिल KTM जैसा लुक देखने के लिए मिला इसका, तो मैंने बोला चलो क्यों नहीं इसका KTM जैसा ही दे देते, क्योंकि ओवरऑल दिख ही रहा है। और मैं अपलोड भी करूंगा तो अभी आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे सर ये KTM है, KTM है इस तरीके से, तो मैंने उसका एक KTM नाम भी रख दिया। और यहाँ पे अगर वायरिंग की बात करो तो वायरिंग का ऑलरेडी इसके पहले मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आपने वो वीडियो वन व्हील के नहीं देखे तो उसमें देख लीजिएगा वायरिंग का, एक एक वायर का कंट्रोलर के साथ में मोटर को किस तरीके से कनेक्ट करना है वो उसमें मैंने वो बताया है, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें भी मैंने सिनेमेटिक शॉट्स और चलाने की वीडियो इसमें नहीं कवर किए, क्योंकि उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी काफी जल्दी आपको मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी अच्छे अच्छे नए नए प्रोजेक्ट देखने के लिए आप चैनल पर भी जा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय हिंद।